संधि प्रकरण। तो देखिए संस्कृत में जो संधियां हैं, संधि क्या होती है, कैसे करते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि कितनी होती है, तो यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। जोड़ना या मिलाना किनको जोड़ते हैं? संधि में दो वर्णों को जोड़ते हैं, दो वर्णों को। अब दो वर्ण कौन से होते हैं? पहले पद का अंतिम वर्ण और नंबर दो पर दूसरे पद का पहला वर्ण। संधि में दो वर्णों को जोड़ा जाता है, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण। तो कहने का अर्थ हो गया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसे कहते हैं संधि? संधि किसे कहेंगे? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये इसकी परिभाषा। अब समझिए संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। किसको जोड़ते हैं? दो वर्णों को। दो वर्ण कौन से होते हैं? पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे का पहला। कि दो वर्णों का मेल संधि है, अथवा हम ऐसे कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि कहते हैं। तो चाहे कैसे भी, लेकिन दो वर्णों का मेल संधि होता है। अब देखिए ये हिंदी में संधि की परिभाषा है। अब देखो आगे कि संधि की संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी संस्कृत में संधि का एक सूत्र है प्रहय संस्कर्ष संहिता। तो एक सूत्र देखिए प्रहय संस्कर्ष संहिता। निकर्ष यानी निकटता, दो वर्णों में अत्यधिक निकटता की संहिता संज्ञा होती है। दो वर्णों की अत्यधिक निकटता की संहिता संज्ञा होती है। कि दो वर्णों को जब परस्पर निकट आ जाते हैं तो उनके संहिता संज्ञा होती है। संहिता का अर्थ होता है संधि, और संहिता करने पर ही सभी संधि कार्य होते हैं। तो यहां भी केवल दो वर्णों का ही बता रहे हैं, संस्कृत में जो परिभाषा है वो भी कि दो वर्णों को। तो कहने का अर्थ हो गया कि दो वर्णों का जो परस्पर मेल है उसे संधि कहते हैं। अब देखो संधि के भेद कितने होते हैं। प्राचीन व्याकरण परंपरा में संधि के पांच भेद माने गए। कितने भेद? यानी पूर्ववर्ती परंपरा के अनुसार संधि के पांच भेद माने गए। पूर्ववर्ती होता है पहले की, कि प्राचीन व्याकरण परंपरा, प्राचीन व्याकरण परंपरा में संधि के भेद माने गए पांच। अब देखिए कौन कौन से माने गए हैं। सबसे पहले अच्छंधि मानी गई, उसके बाद में प्रकृति भाव संधि, फिर हल संधि, और हल संधि के बाद में विसर्ग, और उसके बाद स्वादी संधि।
जो प्राचीन व्याकरण परंपरा है उसमें संधि के 5 वेद, और यहां देखिए भट्टोजी दीक्षित ने भी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में संधि के 5 भेद माने। यहां देखिए जो भट्टोजी दीक्षित से इसने भी, इनकी व्याकरण की पुस्तक है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, उसमें भी संधि के 5 भेद माने। तो सबसे पहले इसने माना है पहला भेद अत संधि, नंबर 2 स्वादी संधि, प्रकृति भाव संधि, नंबर 2 पर माने इसने प्रकृति भाव संधि, और नंबर 3 पर माना है अल संधि, और नंबर 4 पर माना है विसर्ग संधि, और नंबर 5 पर माना है स्वादी संधि। ये भट्टोजी दीक्षित ने माने। भट्टोजी दीक्षित ने संधि के 5 भेद माने, और ये माने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। अब देखिए ये पूर्ववर्ती व्याकरण परंपरा के, जो पूर्ववर्ती व्याकरण परंपरा थी उसमें माने गए, और भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो उनकी व्याकरण की पुस्तक है उसमें इसके 5 भेद माने, अत संधि, अल संधि, एक प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादी संधि। अब देख भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य थे वरदराज आचार्य, इन्होंने अपने ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी, इस लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 भेद माने हैं। अब वो 3 भेद कौन से माने देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव संधि को मिला दिया अस संधि में, और स्वादी संधि को मिला दिया विसर्ग संधि। यानी जो प्रकृति भाव संधि थी इस प्रकृति भाव संधि को अत संधि में मिला दिया, और जो स्वादी संधि थी स्वादी को मिला दिया विसर्ग संधि। तो कहने करती है कि भट्टोजी दीक्षित ने जो संधि के 5 भेद बताए थे उन 5 भेदों को इन्हें के शिष्य वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण की उनकी मानक पुस्तक थी उसमें संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने, और 3 भेद कौन से माने थे, सबसे पहले अत संधि, फिर हल संधि, और उसके बाद में विसर्ग संधि। उन्होंने क्या कर दिया कि प्रकृति भाव संधि को अत संधि में मिला दिया और स्वादी संधि को विसर्ग संधि में। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है अत संधि। अब अत संधि क्या है, अच का अर्थ होता है स्वर, के संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। अब अच संधि किसे कहेंगे, हमने संधि की आपको एक परिभाषा बताई अच संधि कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि होता है, तो दो स्वरों का परस्पर मेल स्वर संधि हो जाएगा। तो देखिए यानी संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वर्तमान व्याकरण परंपरा की बात कर रहे हैं हम, तो 3 भेद होते हैं। यहां देखिए सबसे पहले अत संधि, और अत संधि को हिंदी में स्वर संधि भी कहते हैं,
ये हो गया। नंबर दो, हल संधि संस्कृत में होती है तो जिसका हिंदी है व्यंजन संधि। और नंबर तीन पर विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। तो यहाँ पर संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं और ये बात किसने स्वीकार की है? वरदराज आचार्य ने। और वर्तमान में लौकिक व्याकरण में हम संधि के मुख्य रूप से तीन भेद ही पढ़ रहे हैं। ये बात लौकिक व्याकरण में भी है, लौकिक या वर्तमान में, जिसको परवर्ती व्याकरण परंपरा भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे पास अच संधि। अच संधि क्या होता है? अच का अर्थ होता है स्वर। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएं तो आप वीडियो को पूरा देखें। यहां देखिए, सबसे पहले अच संधि, इसको स्वर संधि भी कहते हैं, स्वर संधि। अब यहां देखिए अच संधि होती क्या है? दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखो, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों का परस्पर मेल स्वर संधि होता है और संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के मुख्यतः आठ भेद होते हैं। यहां देखिए, संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के मुख्यतः आठ भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आठ भेद होते हैं। सबसे पहले आता है यण संधि। नंबर दो अयादि संधि। फिर तीन नंबर पर आती है गुण संधि। नंबर चार पर वृद्धि संधि। उसके बाद में पांच नंबर पर दीर्घ संधि। छह नंबर पर पररूप संधि। और सात नंबर पर पूर्वरूप संधि। और जो आठवां नंबर है वो है प्रकृति भाव संधि। तो देखिए, स्वर संधि के मुख्यतः आठ भेद होते हैं। सबसे पहले यण संधि, उसके बाद में अयादि संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्ण रूप संधि में प्रकृति भाव संधि। तो ये स्वर संधि के आठ भेद हैं। अब देखो, इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी जो आठ भेद हैं स्वर संधि के, वो आपको एक बार फिर समझा रहे हैं कि बहुत ही आसान है। इनमें परिवर्तन कैसे किस प्रकार से होता है वो देखिए। तो क्रम से लिखो इनको, ये आठ भेद यहाँ हो जाएंगे। सबसे पहले यण संधि, नंबर दो अयादि संधि, नंबर तीन गुण संधि और नंबर चार पर वृद्धि संधि,
पांच नंबर पर दीर्घ संधि और छह नंबर पर पररूप संधि, सात पर है पूर्वरूप संधि और आठ पर है प्रकृति भाव संधि। यहां देखिए स्वर संधि के मुख्यतः आठ भेद। सबसे पहले यण संधि है, फिर अयादि है, फिर गुण है, फिर वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप, पूर्वरूप, प्रकृति भाव संधि। यहां दो ये और ये यण और अयादि संधि में होता है आदेश, गुण से लेकर के पूर्ण रूप तक होता है एकादेश, और प्रकृति भाव संधि में नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं। अब आदेश क्या होता है, एकादेश क्या होता है? आदेश यण और अयादि में तो आदेश होता है, तो आदेश क्या है? जब दोनों वर्णों के स्थान पर यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, दोनों वर्णों के स्थान पर किसी एक वर्ण में परिवर्तन होता है तो वहां आदेश होता है। और एकादेश एक ही आदेश कि दोनों वर्णों के स्थान पर एक हो जाता है वो एकादेश, और जब दोनों वर्णों में किसी वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो एकादेश कहलाता है। तो ये आदेश, ये एकादेश, और इसमें नीचे जो आ रहा है प्रकृति भाव संधि में कोई परिवर्तन नहीं।